नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुंचंदा और इस समय पर बात कर लेते हैं हम टमाटर की, क्योंकि नासिक की मंडी में इस समय पर टमाटर की भरमार है और सप्लाई लगातार बनी हुई है। तकरीबन 10,000 गाड़ी रोज नासिक की इस मंडी में पहुंच रही है। टमाटर की सबसे बड़ी मंडी, देश की सबसे बड़ी मंडी, जहां से पूरे देश को टमाटर की सप्लाई होती है। इस समय पर हमारे संवाददाता आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इस समय पर टमाटर की क्या स्थिति है और देश भर में टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं। चलिए जान लेते हैं ताजा रिपोर्ट। संदीप द्विवेदी, ये हम आज टमाटर की सबसे बड़ी मंडी पे खड़े हुए हैं नासिक में, जहां से देश भर में टमाटर की सप्लाई की जाती है किसान। और ये टमाटर बड़ी बड़ी मंडियों से होते हुए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात जैसे शहरों में जाता है और इसका उपयोग जूस बनाने के लिए किया जाता है। और जो भी इसमें क्वालिटियों के अनुसार जूस बनता है और कुछ बाहर भी सप्लाई किया जाता है। आइए हम इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ टमाटर के व्यापारी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम सर? हमारा नाम चंद्रदेव यादव और रहने वाले अयोध्या के बगल में, जहाँ राम का आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और ये टमाटर की सप्लाई, ये टमाटर किधर से आता है यहाँ की मंडी? ये टमाटर किसानों का आता है और किसान पहले तो माल बढ़िया आता था, अभी ये देखिए इतना 500-500 जाली माल, और ये सब सेकंड क्वालिटी के कीड़े वाला। किसान दवा मार रहे हैं और किसान परेशान है यहाँ के। हमारे साथ नासिक टमाटर के बड़े व्यापारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नासिक में टमाटर की कितनी सप्लाई होती है या कितना आयात निर्यात होता है? 10,000 जाली का रोज होता है। अभी क्या रेट टमाटर चल रहा है? 300-320-30 ऐसे चालू है। 300 का मतलब 20 किलो, 20 किलो, 16 रुपए के, 15 रुपए केजी। जी जी। और यहाँ से कहाँ कहाँ टमाटर सप्लाई की जाती है? अहमदाबाद जाता है, वासी मार्केट जाता है, साउथ जाता है, दिल्ली भी जाता है, सहारनपुर जाता है, बड़ोदा जाता है। वाली ऊपर है। क्या टमाटर के दाम रोज घटते बढ़ते हैं, कैसा होता है? जैसा माल बढ़ गए तो वैसा दाम भी घट जाता है, कम आया तो बाजार बढ़ जाती है। जैसा कि इस वर्ष महाराष्ट्र में कम बारिश हुई है, क्या इसका प्रभाव पड़ा क्या टमाटरों पे? हाँ पड़ा है, थोड़ा कम प्रभाव, 25% बढ़ा है। तो